नमस्कार अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं सुलोकना सूत्रधर आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार आम चुनाव 2024 का ऐलान कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अरुणाचल सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की भी करेगा घोषणा नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने संभाला कार्यभार भूटान के प्रधानमंत्री दाशो से भारत की पांच दिन की यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात दोनों देशों की अनूठी और विशेष भागीदारी के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते भूटान यात्रा के लिए किया आमंत्रित विधायक कालिंग मोयोंग ने पासीघाट में मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम से लैस स्मार्ट रोड का किया उद्घाटन कहा वॉकिंग ट्रैक पर लाइट की सुविधा से पैदल चलने वालों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा होगी सुनिश्चित लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने की अपील निर्वाचन आयोग कल यानी शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर चुनाव तिथियों की घोषणा की जाएगी लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 सो, जून को समाप्त हो रहा है वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में सात चरणों में संपन्न हुए थे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश की पाँच लोकसभा सीटों में से तीन, सी, तीन सीटें जीत शानदार जीत दर्ज की थी अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दो सौ सड़सठ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बयासी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं वाम दल तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु ने आज कार्यभार संभाल लिया है निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने दोनों नए चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसे समय में इनका आयोग में शामिल होना महत्वपूर्ण है जब निर्वाचन आयोग इसी वर्ष विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव संचालन के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने श्री कुमार और श्री संधु को कल चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था इधर निर्वाचन आयोग ने चुनावी बांड से संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉन्ड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया था निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग ने हमेशा स्पष्टीकरण और पारदर्शिता का विशेष महत्व दिया है भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेबगे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और अद्भुत संबंध है जो विश्वास सद्भावना और समझ पर आधारित है है उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की साझा आध्यात्मिक विरासत दोनों देशों को जोड़ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भूटान विश्वसनीय मित्र और भागीदार के रूप में भारत पर भरोसा कर सकता है उन्होंने कहा कि भूटान के लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण और समृद्धि के लिए विकास में सहयोग तथा साझेदारी भारत के लिए सौभाग्य की बात है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग सरिंगे से बातचीत की श्री तोबगे सोमवार तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचे इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है इस दौरान श्री सेरिंग तोबगे मुंबई भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोबगे के साथ दोनों देशों की अनूठी और विशेष भागीदारी के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें श्री तोबगे के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आने से बहुत खुशी हुई है श्री मोदी ने अगले सप्ताह भूटान की यात्रा के लिए आमंत्रित करने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया देश में पेट्रोल और डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है नई दरें आज सुबह छः बजे से लागू हो गई है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले अट्ठावन लाख हैवी व्हीकल 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दो पहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा गया है नई दे रही आज सुबह छह बजे से लागू हो गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और साथ ही डीजल से चलने वाले अट्ठावन लाख भारी वाहन छह करोड़ कारे और सत्ताईस करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब चौरानवे रूपए बहत्तर पैसे प्रति लीटर मुंबई में एक सौ चार रूपए इक्कीस पैसे कोलकाता में एक सौ तीन रूपए चौरानवे पैसे और चेन्नई में सौ रूपए पिचहत्तर पैसे प्रति लीटर हो गई है डीजल अब दिल्ली में सतासी रूपए बहत्तर पैसे मुंबई में बयानवे रूपए पंद्रह पैसे कोलकाता में नब्बे रूपए छिहत्तर पैसे और चेन्नई में बयानवे रूपए चौतीस पैसे प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन ऐसी पहले रेट कम करने का और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा में कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जीवन रेखा साबित हुई है प्रधानमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना के तहत देश भर के एक लाख रहरी पटरी वालों को ऋण वितरित किए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा आसपास मौजूद रहते हैं और जिनके बिना लोग दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने रहरी पटरी वालों और सड़क किनारे के दुकानदारों को समाज में योगदान के लिए बधाई दी पटरी वालों की समृद्धि की गारंटी के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के एक लाख लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि ट्रांसफर की पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप लगाया बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पी ने कहा की जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी आज मोदी उनकी गारंटी है जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए मोदी आपकी गारंटी लेता है पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है अभी तक देश के बासठ लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं ये आंकड़ा छोटा नहीं है रेड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि ग्यारह हजार करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक आधे से अधिक हमारी माताएं हैं। बहनेंग है। जिले के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पासीघाट में एनईएच रीजन में दलहन फसलों को बढ़ावा देने के विषय पर किसानों के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन आईसीएआर के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर के सहयोग से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयुष संस्थान पासीघाट के निदेशक रॉबिंद्र तेरौन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर ए के त्रिपाठी डॉक्टर सेंट पॉमले डॉक्टर वाई डिस्को सिंह सहित कई कृषि विशेषज्ञ मौजूद थे भाइयों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको बताया जाएगा कि, कि पल्सिस का प्रमोशन कैसे किया जा सकता है अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे जो पल्स का जो है यहाँ पे किसान लगाते हैं और जो अपने किचन गार्डन में लगाते हैं जैसे अरहर लगाते हैं ब्लैक ग्राम लगाते हैं राजमा लगाते हैं ग्रीन ग्राम लगाते हैं लेकिन कमर्शियल इस कमर्शियल लेवल पे वो नहीं करते हैं उसका एक कारण है कि जो भी यहाँ पर जो वेरायटी लगाते हैं उनमें डिजीज का प्रॉब्लम आता है इंसेट का प्रॉब्लम आता है और और भी बहुत समस्याएं हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने एक सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस जो हमारा आईपीआर में आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ में मिलके हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को भी अभी एक विकास किया है और उस टेक्नोलॉजी को किसानों को ले जाएंगे उनकी क्या समस्याएँ हैं हम लोग का मेन पर्पस है कि पल्स को प्रमोट करना अब ये देखा गया है कि पल्स प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है पर भी हर ईयर काफ़ी हम लोग पल्स इंपोर्ट करता है और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर अरुणाचल में देखा जाए तो पल्स को एज ए माइनर क्रॉप यूज़ कर कर रहा है स्पेशली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो इसको हम लोग किस तरह से प्रमोट किया जाए उसका ऊपर ये वर्कशॉप और वर ट्रेनिंग किया जाएगा उसका साथ साथ ये देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी पल्स का नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत अच्छा है इसका मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज गुड फॉर पल्स प्रोडक्शन सो विद डिथ डेट व्यू वी आर प्लानिंग टू प्रोमोट एंड पॉपुलराइज पॉपुलराइज पास प्रोडक्शन इन अरुणाचल प्रदेश विद द हेल्प ऑफ आईआईपीआर कानपुर ये दो दिन का प्रोग्राम में हम लोग आ, फार्मर्स स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट का इंटरेक्शन रहेगा और इसमें हम लोग आ, फार्मर्स को बताया जाएगा कि पल्सेस को कितना इंपॉर्टेंस है पल्सेस को लेके विधायक कालिंग मोयोंग ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में शुक्रवार को मिरमिर दापी तिनाली सीसीएफ ऑफिस पीएलटी स्मार्ट रोड और मॉडर्न कस्टमाइज ऑर्नामेंटल स्ट्रीट लाइट सिस्टम का उद्घाटन किया इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागु पुलिस अधीक्षक एसके सिंगल सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर मांजुली कोमुद, पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल की चीफ काउंसिलर ओकियाम मोयोंग बोरोंग टाउन प्लानर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने कहा कि सेंचुरियन सिटी पासीघाट के नागरिकों को पहली बार मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम से लैस स्मार्ट रोड की सुविधा मिल रही है उन्होंने कहा कि वॉकिंग ट्रैक पर लाइट की सुविधा से पैदल चलने वालों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी हो श्री मोयोंग ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की अपील की सिर्फ के लिए नहीं है हमारा स्पेशली महिला के लिए भी है एवरी सिटीजन के लिए है ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी काम करेगा तो ये आप सब हमारा तरफ से अनुरोध है ये आप अपना ही प्रॉपर्टी है बोलकर आप मान के चलिए इसको अच्छा से बरकरार कंटिन्यूएशन के लिए पूरा पासी का सिटीजन साथ देना पड़ेगा और ऐसे भी तो पासी का सिटीजन साथ दे ही रहा है तो ये काफ़ी अभी स्मार्ट रोड में स्मार्ट uh, लाइट है तो कुछ ही दिन में बाकी लोग स्मार्ट लाइट लोग भी शुरू होगा तो ये जस्ट वन रोड है जो स्मार्ट सिटी ऑफिस का सामने है हमारा डी एफ ऑफिस और हमारा सी सी ऑफिस और हमारा आगे में हाईवे का है लेकिन बार बार हमारा तो यही रिक्वेस्ट है आप सब इसको अपना ही प्रॉपर्टी मानकर चलिए इसको अच्छा से सुरक्षा ये पब्लिक का सुरक्षा के लिए है लेकिन इसका सुरक्षा भी हम रखना पड़ेगा मशीनरी का इसको आप पूरा बाकी सिटीजन लोग भी ये मान के चलिए कि ये हमारा अपना प्रॉपर्टी है मौसम विभाग ने 20 मार्च तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वही 20 मार्च तक झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेर क्षेत्र में 19 मार्च तक अलग अलग स्थानों पर गरज विधायक सेरिंग तासी ने तवांग के सांगयांग यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में आज ओपन जिम पार्क का उद्घाटन किया इस अवसर पर जिला उपायुक्त कांकी दारांग डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फुरफा लामू सर्कल ऑफिसर बी कामलो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डी डी न्यूज अरुणाचल पर हर शाम छह बजकर तीस मिनट पर लाइव देख सकते हैं देखते रहिए अरुण प्रभा नमस्कार